तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। सो गाइस, टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो होने वाला है। तो हाँ, आप लोग सही गेस किए, आज करने वाले बनी एमपी 40 वर्सेस कोबरा एमपी 40 का चैलेंज, मतलब कौन सा गन अच्छा है ये चेक करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना। जो भी चैनल पर नया आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइज, यहाँ पे पहले बात करते हैं हमारा कोबरा एमपी 40 के बारे में, मतलब प्रेडिटर कोबरा एमपी 40 के बारे में। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास है कोबरा एमपी 40 लेवल 4 का। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के बात करें तो यहाँ पे डबल डैमेज प्लस, सिंगल लेटर फायर प्लस और रिलोड स्पीड माइनस है। तो मतलब यहाँ पे रिलोड स्पीड का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पहले से यहाँ पे एमपी 40 का रिलोड स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखते हैं यहाँ पे डैमेज कैसा देगा। तो चलो ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं कैसा डैमेज देता है। तो गाइज, यहाँ पे हम आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो अभी देखते हैं विदाउट वेस्ट और हेलमेट में कितना डैमेज देखता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं, बॉडी शॉट पहले मारते हैं। यहाँ पे बॉडी शॉट का बात करें तो यहाँ पे 25 का बॉडी शॉट दे रहा है, इतना भी कुछ खराब नहीं है, बहुत सही डैमेज दे रहा है। तो यहाँ पे हेडशॉट की बात करें तो यहाँ पे 137 का डैमेज दे रहा है, बहुत सही है, कुछ भी खराब नहीं है इसमें। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। लेवल 2 और लेवल 2 का हेलमेट और वेस्ट पहनाएंगे तो कैसे डैमेज देगा। यहाँ पे हेडशॉट की बात करें, लेवल 2 हेलमेट 72 दे रहा है और लेवल 2 की वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 12 का डैमेज दे रहा है, बहुत सही डैमेज दे रहा है। यहाँ पे देखते हैं लेवल 3 हेलमेट और वेस्ट में कितना डैमेज देगा। यहाँ पे बॉडी शॉट की बात करें लेवल 3 हेलमेट वेस्ट में तो यहाँ पे 8 का डैमेज दे रहा है और हेडशॉट की बात करें तो यहाँ पे 57 का दे रहा है। तो चलो लॉन्ग रेंज में से देखते हैं कितना डैमेज देता है यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज की बात करें तो 21 का डैमेज दे रहा है लॉन्ग रेंज से, बहुत सही है। हेडशॉट की बात करें तो यहाँ पे 91 का दे रहा है, बहुत सही है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं लेवल 2 हेलमेट और वेस्ट से कितना देता है लॉन्ग रेंज से। यहाँ पे हेडशॉट की बात करें 48 दे रहा है हेडशॉट और बॉडी शॉट दे रहा है 10 का, इतना भी खराब नहीं है डैमेज, बहुत सही ठीक ठाक सा है। तो यहाँ पे देखते हैं लेवल 3 हेलमेट और फेस में कितना डैमेज देता है। लेवल 3 हेलमेट में देता है 38 का हेडशॉट और बॉडी शॉट की बात करें 7 का देता है, इतना भी खराब नहीं है, बहुत सही। अभी हम बात करने वाले बन्नी एमपी 40, मतलब क्रेजी बन्नी एमपी 40 के बारे में, जो आपका फेवरेट और मेरा भी फेवरेट, जिसमें अज्जू भाई 3 लाख डायमंड के करीब खर्च किए थे लेकिन इनको नहीं मिला था, उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका एट्रीब्यूट्स के बात करें तो यहाँ पे सिंगल डैमेज प्लस, डबल रेंज प्लस और सिंगल मैगजीन माइनस है इसका। इसका डबल रेंज है, मतलब बहुत खतरनाक रेंज में यहाँ पे बहुत खतरनाक डैमेज देने वाला है। तो चलो देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में कैसा डैमेज देता है रेंज से और शॉर्ट रेंज से कितना देता है। तो चलो देखते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो गाइज, यहाँ पे हम ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके हैं। तो चलो देखते हैं विदाउट वेस्ट और हेलमेट में क्रेजी बनी एमपी 40 हमारा कितना डैमेज देता है। तो यहाँ पे हम बॉडी शॉट की बात करें तो जैसे कि हमारा कोबरा एमपी 40 25 का डैमेज दे रहा था, ऐसे ही क्रेजी बनी एमपी 40 ऐसे ही 25 का डैमेज दे रहा है। तो यहाँ पे हेडशॉट की बात करें कितना देता है देखते हैं। तो यहाँ पे हेडशॉट की बात करें तो 137 का हेडशॉट यहाँ पे दे रहा है। तो जैसे ही कि हमारा कोबरा एमपी 40 भी 137 का हेडशॉट दे रहा था, ऐसे ही क्रेजी बनी एमपी 40 भी इतना का ही डैमेज दे रहा है। तो यहाँ पे चलो देखते हैं लेवल 2 वेस्ट और हेलमेट में कितना डैमेज देता है। तो यहाँ पे लेवल 2 की वेस्ट की बात करें तो 12 का डैमेज दे रहा है, जैसे ही कोबरा एमपी 40 दे रहा था। तो यहाँ पे हेडशॉट की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं 72 का दे रहा है, जैसे कि कोबरा एमपी 40 भी उतना ही दे रहा था। तो यहाँ पे कोबरा एमपी 40 और हमारा क्रेजी वन एमपी 40 बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पे देखते हैं लेवल 3 हेलमेट और वेस्ट में कितना डैमेज देता है। यहाँ पे लेवल 3 वेस्ट में दे रहा है 8 का डैमेज, जैसे भी कोबरा एमपी 40 में दे रहा था। यहाँ पे हेडशॉट की बात करें तो 57 का दे रहा है, तो जैसे भी कोबरा एमपी 40 में भी उसे ही दे रहा था। तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज में पूरा इक्वल है एमपी 40, कोबरा एमपी 40 और बन्नी एमपी 40 हमारा। हम लॉन्ग रेंज में देखते हैं कितना देता है डैमेज। यहाँ पे 23 का दे रहा है लेकिन कोबरा एमपी 40 में 21 का दे रहा था, कोई बात नहीं, लेकिन सेम आसपास का है, 2 डैमेज कम है।
तो अभी हम देखते हैं लेपल टू वेस्ट और हेलमेट में कितना डैमेज देता है। यहाँ पे हेडशॉट की बात करें और बॉडी शॉट की बात करें, देखते हैं यहाँ पे बॉडी शॉट की बात करें तो 11 का डैमेज दे रहा है और हेडशॉट की बात करें तो यहाँ पे 50 का दे रहा है डैमेज। तो इतना भी सही है, ठीक ठाक है, लेकिन इतना भी खराब नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे दूर से भी ठीक ठाक सा दे रहा है। और यहाँ पे लेवल 3 और लेवल 3 हेलमेट और वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 7 का डैमेज दे रहा है बॉडी शॉट, और हेडशॉट की बात करें यहाँ पे तो 30 का दे रहा है। तो ठीक ठाक सा है, इतना भी खराब नहीं है बनी एमपी भट्टी। तो आप लोग को कौन सा गन अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मेरे बात करूँ तो पर्सनली मेरे को कोबरा एमपी भट्टी अच्छा लगा, क्योंकि हम एमपी भट्टी यूज करते हैं शटरेंज के लिए। तो यहाँ पे दोनों गन सेम है, तो मेरे लिए दोनों गन ठीक ठाक सा है। तो अभी तक जितने भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक अदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज।